नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे द नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना के बारे में। यह क्वेश्चन हाल ही में यूपीएससी के एक इंटरव्यू में पूछा गया था। वैसे तो यह घटना सुनने में पॉलिटी से संबंधित लगता है, लेकिन यह सोलर सिस्टम से संबंधित है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यह शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण वरुण, ये सभी जो है सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जो उजले रंग की ये जो रेखा देख रहे हैं, यह जो है यह एक निश्चित कक्षा है जिसमें जो है सभी ग्रह जो है अपने अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब यह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हुए बृहस्पति और पृथ्वी जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं, यानी ये जो ये पृथ्वी है और ये बृहस्पति है, ठीक है, ये दोनों जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर, यानी देखिए निश्चित कक्षा में पृथ्वी भी ये चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और बृहस्पति भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और इसी दौरान जब भी ये बृहस्पति जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में आ जाता है, तो इस दौरान जो है बृहस्पति और पृथ्वी के बीच जो होती है वो दूरी वो सबसे कम दूरी होती है, और यह दूरी होती है लगभग 592 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इस दिन जो है इस समय जो है वो बृहस्पति पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, 592 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो इसी दौरान जो है बृहस्पति जब ये पृथ्वी के अपोजिट साइड में होता है तो इसे नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी और बृहस्पति के बीच सबसे कम दूरी हो जाती है और बृहस्पति जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है तो इसे नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान जो है पृथ्वी जो है, एक और प्रश्न इसे याद रखिएगा कि नाइट ऑफ अपोजिशन के दौरान जो है पृथ्वी सूर्य और बृहस्पति दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना। ठीक है, अब नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना जो है इसे जुपिटर अपोजिशन की घटना भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जुपिटर अपोजिशन की घटना को नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना या फिर जुपिटर अपोजिशन की घटना जो है वो लगभग 13 माह के बाद, हर 13 माह के बाद होती है। ठीक है, पिछली बार जो है यह नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना 19 से 20 अगस्त 2021 को हुई थी। ठीक है, अब अगली बार जो यह घटना होगी यह 26 सितंबर 2022 को होगी, यानी जो आने वाला ये 26 सितंबर 2022 होगा उस दौरान यह नाइट ऑफ अपोजिशन की घटना होगी। ठीक है, आइए अब यह हम लोग जानते हैं कि इसका नाम जो है नाइट ऑफ अपोजिशन क्यों पड़ा। ठीक है, ये जुपिटर अपोजिशन, जब जुपिटर जो है वो पृथ्वी के, यानी बृहस्पति ग्रह जब पृथ्वी के विपरीत होता है तो इसे नाइट ऑफ अपोजिशन ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दिन के समय जो होता है वो सूर्य के तेज प्रकाश होने के कारण बृहस्पति ग्रह भले ही पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है, यानी 592 किलोमीटर, आमतौर पर जो है वो बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन इस दौरान जो है इस घटना के समय जो है बृहस्पति जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है, लेकिन फिर भी जो है दिन के समय सूर्य की तेज प्रकाश होने के कारण, तेज रोशनी होने के कारण हम इस घटना को ना तो टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं ना ही ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यह घटना जो है वो सिर्फ रात को ही देखा जा सकता है, और रात में ही इस घटना को देखे जाने के कारण जो है इसे नाइट ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो यह था नाइट ऑफ अपोजिशन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।